सो गाइस सुबह के 3:20 पे ये व्लॉग कर रहा हूँ मैं और वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस अक्षय। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो अभी मैं हूँ मुंबई में और मोहम्मद अली रोड से आया। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो है सुबह के 3:13 और हम बैठे एक फूड लेन में जो कि अभी चालू है और हमारे साथ है जिशान भाई। हेलो। सो जिशान भाई को आपने देखा था गोवा के व्लॉग में, हमारे जंगल हॉस्टल में हम सब एक साथ मिले थे। उसके बाद अभी गेट टुगेदर हुआ, जिशान भाई गोवा में थे, कभी आ जाए ना। मैं आज आया हूँ एंड अभी अभी अक्षय से मिला हूँ। तो ये मोहम्मद अली रोड से आ रहे हैं तो लाइक काफ़ी मज़े वहाँ पे किए, पर अभी यहाँ पे है तो लाइक यहाँ के भी अभी देख रहे हैं सारे चीज़ें अभी खाएंगे और लेट्स सी। तो यहाँ पे जो मार्केट है, ये मतलब फूड लेन है, ये सुबह 4 बजे तक चालू रहता है। तो अभी हम इसका कवरेज देते हैं आपको, क्योंकि आप अगर साकिना का एरिया में आओगे यहाँ पे भी बहुत सारे डिलीशियस फूड आपको खाने मिलेगी। स्वीट्स है, डेजर्ट्स है, सारी चीज़ है। तो हम अभी दिखा दें आपको। हलीम है, खिचड़ा है, खिचड़ा है, खिचड़ा है। हलीम बोलते हैं, अच्छा हलीम इसी को ही बोलते हैं क्या? हाँ, मटन पुलाव है, चिकन बिरयानी है, चिकन टिक्का, मलाई टिक्का, रेशमी टिक्का, पारी टिक्का, चिकन बिरयानी, सब कुछ है आपके पास। बोटी, कलेजी, खीरी, मटन सीख कबाब, मटन सीख कबाब। हमारे साथ मोहम्मद अनिप सर है। तो भाई आपको रमजान मुबारक सबसे पहले। So, आपके स्टॉल पे क्या क्या अवेलेबल है आज? हमारा स्टॉल में तो सब चीज़ मिलता है, नॉनवेज में। नॉनवेज में ओके। तो स्टार्टर्स में क्या क्या है? स्टार्टर्स में आएगा आपको चिकन बोटी कबाब, चिकन मलाई कबाब, चिकन मसाला टिक्का, चिकन पुदीना टिक्का, चिकन तंदूरी, चिकन लेग पीस, ड्राम स्टिक। ओके, तो ये कौन सा है? चिकन तंदूरी, चिकन हाफ तंदूरी है, हाफ तंदूरी। ओके, चिकन क्वार्टर फिश है, क्वार्टर फिश। ओके, चिकन मसाला कबाब है, चिकन मलाई कबाब है, चिकन पुदीना कबाब, रेशमी कबाब। ओके, चिकन दम बिरयानी। दम बिरयानी, बिरयानी का रेट है 120 का। 120 ओके। और ये शाही कबाब, ये अपना मटन रोल है, चिकन मुगलाई पराठा है, चिकन स्प्रिंग रोल, ये भेजा गुर्दा। भेजा गुर्दा, तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। और मार्केट कब कितने बजे तक चलता है? ये हमारा 4 से लेकर सुबह 5 बजे तक। सुबह 5 बजे तक जी। तो भीड़ होती होगी बहुत ज़्यादा। नाइस टू मीट यू सर, रमज़ान मुबारक। तो अभी हम साकिना का में और यहाँ पे भी पराठा और हलवा अवेलेबल है। तो सर आपका नाम क्या है? अकरम शेख। ओके, सो अकरम भाई रमज़ान मुबारक। सो पराठा हलवा कैसा है? अच्छा। अच्छा है, कैसे किलो देते हो आप? 200 रुपये। 200 रुपये किलो। आप कहाँ से हो? कंसावली। कंसावली, हरसल आते हो यहाँ पे? ओ ग्रेट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी हलवा पूरी, हलवा और पराठा है। सो आओगे तो ज़रूर ट्राई करना। सो गाइस सुबह के 3:20 पे ये व्लॉग कर रहा हूँ मैं और यहाँ पे है ना एकदम फ्रेश बन रहा है सीख, और अभी हम है यादगार सीख कबाब और पराठा जो कि है साकिना कब है। तो हमारे साथ मोहम्मद रफीक सर है। भाई सबसे पहले रमज़ान मुबारक। सो अभी क्या कर रहे हो, मतलब कौन सा बना रहे हो आप? चिकन का ये कौन सा है? ये मटन का बना। मटन का बना रहे हो? ओके, चिकन भी है। चिकन भी है, और कौन कौन से आपके पास? चिकन मलाई टिक्का है, रेशमी टिक्का है, पहाड़ी टिक्का है, मसाला टिक्का है। okay. चिकन सीख कबाब है, मटन सीख कबाब है। तो टोटली सीख कबाब का ही है आपके पास? मटन खीरी है, मटन लीवर, मटन बोटी, तवा आइटम भी है। तवा में क्या क्या है? चिकन रोल है, भैदा पराठा है। तो चिकन में क्या क्या है पराठा में? पराठा में चिकन भैदा रोटी है, चिकन रोल है, शोरमा है, शोरमा भी है। तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास। ओके, यहाँ पे शोरमा भी है। शोरमा कैसे प्लेट है? 60 रुपये का है। 60 रुपये का? हाँ। ओके, शोरमा 60 रुपये का है। और बैदा पराठा? हाँ। चिकन बैदा रोटी, चिकन रोल। कितने का है? 40 का। 40 का है। ओके, और सीख कबाब? सीख कबाब 100 रुपया प्लेट, पराठा 20 रुपये का एक। 20 रुपये का एक पराठा, ये सीख कबाब 100 रुपया प्लेट। कोई भी लो, कोई भी लो। ओह ग्रेट। चिकन तंदूरी
पूरा आपका तंदूरी 400 में आएगा। 400 में आएगा और सिंगल लेग पीस 120 का ही। 120 का आएगा। हमारे यहाँ सब फ्रेश ही मिलता है और सब खत्म भी हो जाता है, हमारे कुछ बचता नहीं है। माल खरीदने पे तो पूरा खत्म, सब खत्म हो जाता है। माल खत्म भी हो गया थोड़ा बहुत, अब ये भी खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। सो गाइस, इन केस आप साकीनागा या नियर बाई एरिया में रहते हो या मुंबई में आते हो तो साकीनागा वाला मार्केट जरूर विजिट करना। एंड आप सबको रमजान मुबारक फिर से एक बार। सो गाइस, आज ना नींद आई नहीं रही है मुझे, तो जब मैं पुणे में रहता हूँ 11 बजे सो जाता हूँ। आज मैं आपको ये कोशिश कर रहा हूँ ना कि सारी चीज़ आपको दिखा दूँ। तो अभी हम एक परा, जैसे मैं हमेशा करता हूँ कि कूलर्स दिखाते ही दिखाता हूँ, डेजर्ट्स भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी कूलर्स है और यहाँ पे 6 से 8 टाइप के अलग अलग कूलर्स मिलते हैं, तो हम वो आपको भी आपको दिखाएंगे। सो गाइस, हमें ऐसा एक काउंटर मिला है जहाँ पे अलग अलग टाइप के जूस है, ऑलमोस्ट 6 से 7 टाइप के अलग अलग जूस है जैसे मैंने आपको बताया था। सो अपने साथ रियाज भाई है। तो रियाज भाई, रमजान मुबारक। तो आपके पास कौन सा जूस अवेलेबल है? अपने पास मैंगो है। ओके, क्या रेट है उसका? 50 रुपया। 50 रुपया मैंगो सिलाई से 100 रुपया। 100 रुपया सीताफल है 60 रुपया। 60 रुपया ओके। मोजिटो 50। ओके, कोकोनट 50। कोकोनट 50 खजूर 50। खजूर भी है आपके पास? हाँ। ओके, ब्लू लोगन है। ब्लू लोगन है 50। ब्लू लोगन तो मैंने इस साल बस आपके काउंटर पे देखा है, जैसे मैं बहुत जगह पे घूमा हूँ, पुणे का हर एक कोना कोना घूम लिया। अभी मुंबई में घूम रहे हैं, मोहम्मद अली रोड भी गए थे, वहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे ब्लू लोगन है। हाँ। और ये कौन सा? और एक अपना स्ट्रॉबेरी बनाना है। स्ट्रॉबेरी बनाना? हाँ। सो स्ट्रॉबेरी बनाना कितने का? 50 रुपये। 50। सो गाइस, रेट्स भी काफ़ी रीजनेबल है, इनके साथ हो तो जरूर ट्राई करना। और आपका कितने बजे होता है सुबह? 5 बजे। हाँ, 4-5। 4-5 बजे तक होता है, तो आओगे तो जरूर विजिट करना। सो गाइस, बैठे बैठे कुछ दोस्त भी बन गए यहाँ पे, और आकाश भाई है। हाय गाइस। आसिफ भाई है। Hi. और कमर भाई है। तो आप सबको रमजान मुबारक। आकाश भाई, रमजान मुबारक। तो आप लोग यही से हो ना, कुरला से? तो ये स्ट्रीट लेन काफ़ी मतलब फेमस है, रमजान में तो काफ़ी मतलब यहाँ पे लोग आते हैं। राइट। और ये सिर्फ रमजान के टाइम पे रहती है ना? हाँ, रमजान के टाइम पे मतलब मोस्टली ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। नॉर्मल भी होता है सर, नॉर्मल भी रहता है, लेकिन रमजान के टाइम पे मतलब ज्यादा मतलब रौनक होती है, मतलब सब चैनल ज्यादा। राइट राइट राइट। सो फिर से एक बार आप सबको रमजान मुबारक, मिलते हैं डेफिनेटली। सो गाइस, ये लेन काफ़ी बड़ी है, तो आप देख सकते हो उस तरफ भी है, बट चीज़ें सेम होने के कारण हम आपको सारी लेन नहीं दिखाएंगे। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और यहाँ पे ज़रूर विजिट करना।